उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, जग विच आके नशा तारिया तेरे कोलो वेखिया शैतान हरिया, जग विच आके नशातारिया तेरे कोलो वेखिया शैतान हरिया, कम तेरे साफिया मैं दसा केड़े केड़े, कम तेरे साफिया मैं दसा केड़े केड़े, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, बारा बारा साल दे बीमारा देसी पल्ला तेरे चूह के सिफापा देसी, बारा बारा साल दे बीमारा देसी पल्ला तेरे चूह के सिफापा देसी, जग विच फिरे देव गुड़ गांदे तेरे, जग विच फिरे देव गुड़ गांदे तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, चार चार दिन दे जीवाए मोरे दे, पाड़ी उत्ते वेखे तेरे चेले तुर दे, चार चार दिन दे जीवाए मोरे दे, पाड़ी उत्ते वेखे तेरे चेले तुर दे, गिरे नहीं जांदे यीशु मैं तो कम तेरे, गिरे नहीं जांदे यीशु मैं तो कम तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, जग ले सलीब ते खून डोरिया, जान दे के जन्नत दा गुहा खोलिया, जग ले सलीब ते खून डोरिया, जान दे के जन्नत दा गुहा खोलिया, दुखी होके राजी लांदे जन्नत चाहे रे, दुखी होके राजी लांदे जन्नत चाहे रे, तू चढ़ के सलीब ते पाप चुके मेरे, उठ के सवेरे यीशु गुड़ गावा तेरे, उठ
गे सवेरे यीशु गुड़े गावा तेरे तू चढ़े के सलीब। यहूदा की पत्री एक अध्याय 20 से 23 तक। और यहां पर लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। यहां पर महान परमेश्वर का वचन अपने उन तमाम बेटे और बेटियों से कहता है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। तो परमेश्वर पर विश्वास करना पवित्र विश्वास है। विश्वास और पवित्र विश्वास दोनों में बहुत फर्क है। पति पर विश्वास करना विश्वास है, पत्नी पर भी विश्वास करना विश्वास है, अपने बच्चों पर विश्वास करना यह भी सिर्फ एक विश्वास है, अपने रिश्तेदारों पर भी विश्वास करना यह सिर्फ एक विश्वास है। लेकिन पवित्र विश्वास वो है जो अपने महान परमेश्वर पर यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, यह है पवित्र विश्वास। क्योंकि परमेश्वर से हमारा रिश्ता कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, इसलिए परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता है। इस संसार के रिश्तों को हम देखते हैं, अचानक कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई रिश्तों में धोखेबाजी होता है। तो ये संसार का जो रिश्ता है कुछ क्षण के बाद, कुछ पल के बाद ये टूट जाएगा, लेकिन महान परमेश्वर जैसे जो हमारा रिश्ता है यीशु मसीह के द्वारा, वो कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। तो इसलिए हम संसार की बातों पर या संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं, तो ये केवल एक विश्वास है, साधारण विश्वास। लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये है पवित्र विश्वास। और बाइबल सिखाती है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उन्नति करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना, इससे पहले जो हमने देखा विश्वास, आज इस संसार में देखते हैं बहुत सारे चीज़ों में धोखेबाजी होता है, बहुत सारे लोग विश्वास को तोड़ देते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनका विश्वास कभी नहीं टूटता। क्योंकि हमने उस महान परमेश्वर पर विश्वास किया है जो कभी हमें धोखा नहीं देता। हम कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी विनती नहीं सुन रहा है। परमेश्वर हमारी विनती सुनता है, लेकिन वो अपने समझ के अनुसार हमें उत्तर देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ें मांगते हैं परमेश्वर से, जो प्रार्थना करते हैं, तो हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे। जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए सही है, वही बातें और वही चीज़ें महान परमेश्वर हमें देगा। और जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है, वो महान परमेश्वर हमें कभी भी नहीं देगा। यिर्मयाह 17:5 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करना केवल एक विश्वास है, लेकिन महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, यह है पवित्र विश्वास। यिर्मयाह 17:10 पद में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। यिर्मयाह 17:7 पद वहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 पद में पढ़ते हैं तो यीशु कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है। थोड़ा निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 पद, 7:24, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर दृढ़ता से चलना, प्रभु पर भरोसा रखना, तो ये चट्टान कौन है? कलीसिया का चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। यदि हमने अपना विश्वास, अपना घर, हमारा जो घर का नींव है यीशु मसीह पर बना है, तो वो कभी नहीं गिरेगा। चाहे संसार में आंधी आए या तूफान आए या फिर संकट आए या फिर क्लेश आए, ये आंधी और पानी और बाढ़ हमारे जीवन में संकट और मुसीबत को दर्शाता है। तो जिसका विश्वास यीशु मसीह पर मजबूत है, जिसका घर यीशु मसीह पर बना है, वो कभी ना गिरने वाला घर है। यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर मजबूत है तो हमारा घर कभी नहीं गिरेगा, और इसी को कहते हैं पवित्र विश्वास। परंतु हमारा घर यदि कमजोर है, हम यीशु मसीह पर थोड़ा विश्वास करते हैं या फिर यीशु मसीह पर आधा विश्वास करते हैं, तो हमारा घर, हमारा विश्वास, थोड़ा सा मुसीबत आएगा, थोड़ा सा संकट आएगा, तो हमारा विश्वास गिर जाएगा, हमारा घर गिर जाएगा। हम डावाडोल हो जाते हैं कई बार संसार के मुसीबतों को देखकर, संसार के दुखों को देखकर। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। अब कुछ लोग हैं इस संसार में जो थोड़ा सा तकलीफ आते हैं तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा मुसीबत आता है जीवन में तो परमेश्वर का संगति करना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा शरीर में कुछ परेशानी आता है तो महान परमेश्वर के लिए गीत गाना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा विश्वास कमजोर है। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा परमेश्वर का बेटा बेटी, चाहे जीवन में कितनों भी मुसीबतें आ जाए, कितनों भी तूफान आ जाए, कितनों भी संकट या फिर महासंकट आए, वो महान परमेश्वर से कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, परमेश्वर के लिए कभी गीत गाना नहीं छोड़ता, परमेश्वर के लिए कभी कार्य करना नहीं छोड़ता। और इसी विश्वास को हम कहते हैं पवित्र विश्वास। और बाइबल कहती है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। अब कई लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो भाई आप महान परमेश्वर को अपने जीवन में आदर दीजिए, आप महान परमेश्वर से प्रेम कीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल मत कीजिए, परमेश्वर को अवसर दीजिए अपने जीवन में। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। जब आप और हम महान परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देंगे, महान परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देंगे, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे करना है। आत्मा भी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा हमें सिखाता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार हमें प्रार्थना करना नहीं आता, कई लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो इसका मतलब वे लोग परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में अवसर नहीं दिए हैं। परमेश्वर के आत्मा को हम अपने जीवन में अवसर दें, क्योंकि हम अपना मार्ग खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं, अपना काम खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके मार्गों को परमेश्वर तैयार करता है, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के भरोसे पर छोड़ें, अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, इससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम अपना काम खुद जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। यदि हमारे काम में परमेश्वर का अगुवाई है तो वो होकर रहेगा, लेकिन जो काम परमेश्वर के योग्य नहीं है और उसमें हम जबरदस्ती अगुवाई करेंगे तो वो कदापि नहीं होगा। हम महान परमेश्वर को अपने जीवन में अवसर दें। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर हमें किस मार्ग पर लेके जाना चाहता है। अब्राहम को जब महान परमेश्वर ने चुना तो अब्राहम जानता भी नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे जाना कहाँ है। हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्ग को तैयार करता है कि हमें चलना कैसे है। हवा किधर से आती है और किधर को जाती है ये तू नहीं जानता,
ठीक वैसे ही तू परमेश्वर का मार्ग नहीं जानता। हम समझ लेते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग को समझ गए हैं। हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे, परमेश्वर के भरोसे छोड़ेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। हमें पता नहीं है कि चलना किस तरफ है। परमेश्वर हमें चलाएगा उंगली पकड़ के। परमेश्वर हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। कई बार हम अपना काम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कई बार हम फैल हो जाते हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। यदि हम महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो अपने कामों को अपने यहोवा पर डाल दें, अपने परमेश्वर पर डाल दें। परमेश्वर ही हमारे काम में अगुवाई करेगा, परमेश्वर ही हमें सिद्ध बनाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहाँ पर बाइबल क्या कह रही है, यहूदा 1:21 में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हमें अपने बच्चों का प्रेम पता है कि हमें बच्चों से किस तरह पेश आना है। हमें अपने बच्चों का प्रेम मालूम है। हमें अपने माता पिता का प्रेम मालूम है कि माता पिता को कैसे खुश रखना है। हमें अपने पति का प्रेम मालूम है कि पति को कैसे खुश रखा जाता है। हमें अपने पत्नी का प्रेम मालूम है कि पत्नी को क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता। हमें अपने रिश्तेदारों का प्रेम मालूम है, लेकिन क्या हमें अपने महान परमेश्वर का प्रेम मालूम है? वो महान परमेश्वर जिसने दुनिया के तमाम लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्रूस पर कुर्बान होने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान से बढ़कर हमें प्रेम किया है, तो क्या हमें आज प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मालूम है? अगर आज बहुत सारे मसीहों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मालूम होता, तो आज हर वर्शिप में हर मसीही भागी होते। हर संडे आराधना में परमेश्वर के जो लोग हैं, हम मसीहों को प्रभु का लोग भी कहते हैं, प्रभु के दिन प्रभु की संगति में उपस्थित होकर परमेश्वर की इबादत करते। आज कुछ ही मसीहों को परमेश्वर का प्रेम मालूम है और बहुत सारे मसीहों को परमेश्वर का प्रेम मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वार्थ का आपूर्ति बनाए हैं। चंगाई पाना है तो प्रभु यीशु मसीह, घर में कुछ काम आ गया और बिगड़ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। हमारे कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। शरीर में तकलीफ है तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। शैतान आके दबा रहा है सर को तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा स्वामी है। वो हम उसका आदर करें, उससे प्रेम करें। हम स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह को ना अपनाएं। देखो, ये जो दुनिया है ना, हम कहते हैं कि बहुत सारे मसीह हैं। बात यह नहीं कि बहुत सारे मसीह हैं, बात यह है कि आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नौकर बना कर रखा है। प्रभु यीशु यह कर दे, प्रभु यीशु वो कर दे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर दे। लेकिन कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वामी बना कर रखा है। प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं। जो प्रभु के सच्चे लोग होते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु यीशु, तूने मुझे संसार में से चुन लिया है, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं या तेरे लिए क्या कर सकती हूं। और स्वार्थी लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए कर, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए वो कर। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह तो खुद ब खुद कर देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी तमाम घटी कमी को स्वयं ही पूरी कर देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह तुरंत चंगा कर देगा, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। कब?
जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में लग जाएंगे तब। दो प्रकार के प्रार्थना, दो प्रकार के विश्वासी, दो प्रकार का प्रेम। एक बच्चा अपनी जरूरतों के लिए अपने माँ बाप को याद करता है और एक बच्चा अपने माँ बाप को पूछता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं। हम परमेश्वर के कौन से बच्चे हैं? हम महान परमेश्वर के कौन से बच्चे हैं? परमेश्वर के काम को पूरा करने वाले बच्चे हैं या फिर महान परमेश्वर को नौकर बनाकर अपना काम कराने वाले बच्चे हैं? आज हमें इस बात को परखना है। हमें अपने बच्चों का प्रेम पता है, पत्नी का प्रेम पता है, पति का प्रेम पता है, अपने रिश्तेदारों का प्रेम पता है, हमें अपने महान परमेश्वर का प्रेम पता क्यों नहीं है? आप लोग कहते होंगे सत्य भाई जब भी प्रचार करता है तो डांट के प्रचार करता है, कुछ अलग तरह से प्रचार करता है, बाइबिल यही सिखाती है तो इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ता है, ये बाइबिल सिखाती है। क्योंकि बाइबिल सिखाती है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब तक हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। जब हम कहते हैं आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर में बहुत तकलीफ है, तो हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में नहीं बनाए रखते। जब हम कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के संगति में जाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम परमेश्वर के प्रेम के साथ छल करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। जब हम कहते हैं कि बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब तो चंगाई मिल गया है, अब चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम परमेश्वर के प्रेम के साथ छल करते हैं। और बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब हम कहते हैं कि हम मुझे परमेश्वर के लिए गीत गाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम फिर परमेश्वर के साथ छल करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। आपके अंदर कौन सा मन है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, जीवित परमेश्वर से? दो प्रकार का मन होता है। एक मन हमें जीवित परमेश्वर से दूर करता है और एक मन, पवित्र मन, साफ मन, शुद्ध मन, जो हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है। हमारे अंदर कौन सा मन है? ये जिस दिन हम कहते हैं ना आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा मन अशुद्ध हो चुका है। एक शुद्ध मन, एक पाक मन, एक पवित्र मन कभी ये नहीं कहता कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, वचन नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगी, या प्रार्थना नहीं करूंगा, या फिर गीत नहीं गाऊंगा परमेश्वर के लिए, या फिर चर्च नहीं जाऊंगा। ये पवित्र मन कभी भी नहीं कहता, ये शुद्ध मन कभी भी नहीं कहता। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को वही लोग देख पाएंगे जिनका मन शुद्ध है, पाक है, जिसका मन साफ है। इसलिए तो स्वर्ग का राज्य बालकों का है, क्योंकि बच्चों के मन में कोई कपट नहीं होता, बच्चों के मन में कोई छल नहीं होता, बच्चों के मन में कोई ईर्ष्या नहीं होता, कोई जलन नहीं होता। छोटे इधर देख, सामने इधर देख। इसलिए हमारा मन किस प्रकार का है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। जब न्याय का दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में प्रकट होगा, तो हमें बाट जोहते रहना है प्रभु यीशु मसीह का, अभी इसी दुनिया में रहकर दया की। क्यों दया की क्यों बाट जोना है हमें प्रभु यीशु मसीह का? क्योंकि महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ क्रोध में आएगा, क्रोध में, क्रोध में आएगा। बाइबल में लिखा है योएल में 2 अध्याय, यहोवा का दिन बड़ा भयानक है, उसे कौन सह सकेगा। जब महान परमेश्वर का दिन प्रकट होगा तो उस दिन को कोई नहीं सह सकता। उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रोध के साथ प्रकट होगा।
उस दिन प्रभु यीशु मसीह जलजलाहट के साथ प्रकट होगा। क्यों प्रकट होगा ऐसा हो? क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर की महिमा नहीं किया या फिर परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चले, उन सब से महान परमेश्वर यीशु के द्वारा बदला लेगा। इसलिए बाइबिल कहती है, यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो अनंत जीवन के लिए। और जिन लोगों ने अनंत जीवन प्राप्त नहीं किया है उनका क्या होगा? चलिए, जिन लोगों ने अनंत जीवन प्राप्त नहीं किया है या फिर यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया है उनका क्या होगा? 22 पद में लिखा है, यहूदा एक अध्याय 22 पद में, उन पर जो शंका में है दया करो। बाइबिल सिखाती है कि उन पर जो शंका में है दया करो। आज बहुत सारे लोग शंका में जी रहे हैं। कैसे शंका? अच्छा अच्छा काम करो तो परमेश्वर हमें उद्धार देगा, भलाई के काम करो तो परमेश्वर हमें उद्धार देगा, दान दक्षिणा कर दो तो परमेश्वर हमें उद्धार देगा, या फिर जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ और वहां पर तपस्या करो तो इससे हमें उद्धार मिल जाएगा, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। आज कई लोग शंका में जी रहे हैं, शंका में। कई लोग कहते हैं कि सोना चांदी का मूर्ति बना दो भगवान का तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। आज कई लोग शंका में जी रहे हैं। शंका के मतलब उनके पास जीवित आशा नहीं है, अंधविश्वास में जी रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, देखा जाएगा। आज के लोग शंका में जीवन बिता रहे हैं। बाइबिल कहती है उन पर जो शंका में है दया करो। हमें दया क्यों करना है? क्योंकि जितने भी लोग यीशु मसीह के लहू से धोए नहीं गए हैं उन सबको आग की झील में डाला जाएगा, नरक की आग में। तो बाइबिल कहती है जो लोग आज शंका में जीवन बिता रहे हैं उन पर दया करो। क्यों दया करना है? बाइबल हमें सिखाती है, आज बहुत सारे लोग जो शंकाओं में जीवन बिता रहे हैं हमें उन पर दया करना है। आज हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जिसके साथ हम अच्छा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे बड़े बच्चे हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, कोई भी हो जिनके साथ हम अच्छा बातचीत करते हैं, जिसके साथ हम उठते हैं बैठते हैं, लेकिन यदि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो बेशक वो अच्छा इंसान हो सकता है लेकिन परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हो सकता। स्वर्ग का राज्य केवल परमेश्वर के बेटा और बेटियों का है। जिन लोगों ने अपने अपराध को प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार करके यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धोए हैं वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया ही नहीं है, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के कुर्बानी को, क्रूस की मृत्यु को तुच्छ जाना है, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, उन सबको आग की झील में डाला जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि उन पर जो शंका में है दया करो। उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमें दया करना है। हम कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अच्छा बातचीत करता है। हमें समझना है आज बाइबिल को। हम ये समझते हैं कि मेरा पति नहीं मानता, अच्छा हम लोग अच्छा चलते हैं। अरे अगर पति नहीं मानता तो हमारे सामने उनको नरक की आग में डाला जाएगा। अगर हमारे पत्नी नहीं मानती प्रभु यीशु मसीह को तो बेशक उनका स्वभाव अच्छा हो या फिर उनका स्वभाव अच्छा है तो भी उनको नरक की आग में डाला जाएगा। ये बाइबिल कहती है। बाइबिल इसलिए कहती है कि उन पर जो शंका में है दया करो। हमें दया करना है। हम क्यों सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्यों? कोई जरूरी नहीं कि हर पास्टर पैसे के लालच में प्रचार करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस संसार में कई सारे अच्छे प्रचारक हैं जो निस्वार्थ रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो किसी के लालच से प्रचार नहीं करते परंतु दूसरों के जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। क्यों करते हैं? क्यों हम चर्च खोल के बैठे हैं? क्यों लोगों के घर हम दुआ करने जाते हैं? क्योंकि लोगों का जीवन यीशु मसीह में बचाया जाए, लोग सच्चाई को जाने,
लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को जाने, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जाने। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें यीशु मसीह स्वतंत्र कर सकता है और कोई स्वतंत्र नहीं करता कर सकता। हम अच्छे काम करके हम कहेंगे कि हम स्वतंत्र हो गए पाप से, तो हमारी गलत फहमी है, हम शंका में हैं। हमें केवल यीशु मसीह ही इस गुनाह से, अंधकार से स्वतंत्र कर सकता है। हमें मृत्यु के बंधनों से यीशु मसीह छुड़ाता है और कोई नहीं छुड़ा सकता। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। राजा दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हम पास्टर को देखते हैं कि कौन बड़ा पास्टर है, कौन टाई लगाया है, कौन सूट बूट पहना है। हम रात दिन सिर्फ पास्टर के पीछे अंधे के समान मत चलें, परंतु जो हमें प्रचार करता है, जो हमें सिखाता है, उन वचनों को पढ़ें, उन वचनों को समझें कि वो बाइबिल की ओर से है कि नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि जो प्रचार हम सुन रहे हैं वो सही है या गलत है। यदि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, तो कोई हमें कुछ भी सिखाकर चला जाएगा और फिर हम अंधे के समान कुएं में जाकर डूब मरेंगे। हम परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जगह दे, तभी महान परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तो जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर, उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुत लोगों को आग में से झपट कर निकालो। पता है क्यों निकालना है हमें आग से झपट कर? आज जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है वे ऑलरेडी आग की झील में डाले जाएंगे। तो बाइबिल कहती है, यीशु कहता है कि उनको आग में से झपट कर निकाल लो। अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है कि हम उन लोगों को आग में से झपट कर निकालें। हम इस दुनिया के हंसी ठिठोली में, हंसी मजाक में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने पति के साथ अच्छा हंस रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ हंस रहे हैं, अपने दोस्त यार के साथ हंस रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हंस रहे हैं। हम उनके जीवन के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं सोचते कि उनका जीवन यीशु मसीह में बचे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि उनका भी जीवन अनमोल है? ये क्यों नहीं सोचते? महान परमेश्वर जानता है हम सबका जीवन अनमोल है, हम क्यों नहीं जानते? आज हमें प्रभु के लिए काम करना है, लोगों के आत्माओं को, उनके जीवन को बचाना है, कि हर एक जीवन यीशु मसीह में बचाया जाए। और बाइबिल कहती है यहूदा का अध्याय 23 पद में, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हमें निकालना है झपट के, वो लोग जो आज यीशु मसीह से दूर हैं, वो लोग जो आज यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को अपना उद्धार करने के बाद छोड़ दिए हैं और संसार के कीचड़ में फिर से जाकर वो कीचड़नुमा जीवन जी रहे हैं। हमें शोकित होना है, हमें दुखी होना है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। लूका 6 अध्याय में यीशु ने कहा है, हाय तुम पर जो हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे। आज जो लोग इस संसार के रंगीनियत में हंसी ठिठोली कर रहे हैं, हंसी मजाक में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हें न्याय के दिन रोना पड़ेगा। और यीशु कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमें शोकित होना चाहिए, अंत का समय नज़दीक है। पता है इस महामारी ने लोगों को जीना सिखा दिया है, हवा की कीमत को समझा दिया है, जीवन की कीमत को बता दिया है कि जीवन कितना अनमोल है इस महामारी ने। आज लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं लेकिन जीवन नहीं मिल रहा है, लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। एक धनवान व्यक्ति था और एक निर्धन लाजर था। जब धनवान व्यक्ति जी रहा था, जीवित था, तब तक वो ऐशो आराम में, आनंद में, मौज मस्ती में अपने जीवन को बिता रहा था। निर्धन लाजर, कंगाल लाजर, वो परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहा था। दोनों मर गए। वो धनवान व्यक्ति रोता है कि जैसे मैं नर्क की आग में आया हूँ वैसे मेरे भाई लोग मत आए। अब्राहम से विनती करता है
कि मैं इस पीड़ादायक स्थान में आ गया हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा हूँ, तो हे अब्राहम पिता लाजर को भेज दे, वो मेरे भाई के पास जाए और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताए, तो कम से कम वो लोग तो इस नरक में नहीं आएंगे, इस पीड़ा जगह में नहीं आएंगे। वो धनवान व्यक्ति रोता है मरने के बाद, हमें क्या लगता है अरे कुछ नहीं होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो हम गलत फहमी में हैं, हम शंका में हैं। यदि हमने यीशु मसीह को सच्चाई से प्राप्त नहीं किया है तो हमारी जगह नरक की आग है। हम ही क्यों, जितने भी लोग आज यीशु मसीह में नहीं है उनका जगह, उनका स्थान केवल नरक की आग है। अभी हमारे पास समय है कि हम उनके जीवन को बचा लें। वो धनवान व्यक्ति रो रहा था कि हे अब्राहम, हे पिता, तू यहां से किसी नबी को भेज कि वो लोग जब मेरे भाई के पास जाए, मेरे भाई लोग रहते हैं संसार में, तो उनको परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर का भय मानना सिखाए, कम से कम उनका जीवन तो बच जाए, वो लोग तो इस पीड़ा में मत आए, इस नर्क की जगह में मत आए। ऐसा धनवान व्यक्ति बोल बोल के रो रहा था। न्याय का दिन होगा क्या, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। जो यीशु मसीह के सच्चे लोग हैं वो यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, और जो यीशु मसीह में नहीं हैं वो पीड़ादायक स्थान में जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे तो हमारे जो यहाँ अपने हैं और जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, उनको हम नर्क की आग में देखेंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे लोग बचाए जाए? खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा, एक आग हर दिल में हमको जलाना होगा। हमें काम करते रहना है, काम करते रहना है प्रभु के लिए। कभी आराम के बारे में मत सोचे कि अब मैं काम कर लिया और हो गया, ये बहुत हो गया। प्रभु यीशु कहता है मेरा पिता अभी तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो फिर हम आराम के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि मुझे आराम चाहिए, मैं बहुत प्रचार कर लिया, बहुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता लिया, मैं दो चार आत्मा को जीत लिया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अब भी काम करता हूँ और मेरा पिता अब भी काम कर रहा है, और हम आराम के बारे में सोच रहे हैं। हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर ने हमें काम करने के चुना है, क्योंकि सप्त का विश्राम अभी बाकी है। इसलिए बाइबल कहती है बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। हमें दया करना है अपने दुश्मन पर। अरे हम जिसे अपना दुश्मन समझते हैं उसे तो प्रभु प्यार करता है, तो फिर वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? मेरा पड़ोसी मेरा ये नुकसान कर देता है, ये बर्बाद कर देता है, वो मुझसे जलता है। अरे भाई प्रभु तो हमसे प्रेम करता है ना, प्रभु ने क्या सिखाया है हमें? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। यीशु मसीह ने सिखाया अपने बैरी से प्रेम करो, और हम अपने बैरी से बैर कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह के लोग नहीं हैं। अपने बैरी के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और ना गाली के बदले किसी को गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें भय के साथ लोगों पर दया करना है, भय के साथ। हो सकता है कोई गलत मार्ग में चल रहा है, कोई बात नहीं, हम उन्हें परमेश्वर के भय में होकर प्रेम से प्रभु के बारे में समझा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम उस पर दोष लगाएं, तू चोर है, तू व्यभिचारी है, तू डाकू है, ऐसा हम दोष नहीं लगा सकते। हम बल्कि उनसे प्रेम करें कि भाई या बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके जीवन से प्यार करता है। यदि किसी के जीवन को बचाना है तो हम प्रेम से बचाएं, हम प्रेम से उन्हें समझाएं। ये प्रभु का वचन कह रहा है, किसी पर दोष न लगाएं। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु ने हमें क्षमा किया है इसलिए हम क्षमा करें। पता है हमारे पाप कब बढ़ते हैं और ज्यादा? जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं।
दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, हो सकता है कोई गलत हो लेकिन हम उसे गलत नहीं कहना है हमें। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यभिचारी स्त्री को क्षमा कर दिया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो फिर हम क्यों दोष लगाते हैं किसी के ऊपर? हम भी क्षमा कर दें। दोष लगाने का काम केवल शैतान का है और प्रेम करने का काम केवल हमारा है। हमारे जीवन में ये जो कष्ट आता है ना शरीर में, ये कहीं ना कहीं हमारे पाप के वजह से भी होते हैं। कई कष्ट हमें हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए होते हैं, कई कष्ट हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चट्टान की तरह बनाने के लिए होते हैं, और कई कष्ट और कई बीमारी जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे खुद के पाप के वजह से होते हैं। तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारी प्रार्थना को रोक दिया है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। तो आज हम महान परमेश्वर के वचन को समझें, महान परमेश्वर के वचन को जानें, सीखें परमेश्वर का वचन हमसे कहता क्या है। ये बाइबिल हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी तो परमेश्वर के वचन को समझेंगे। अब परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो वचन को कैसे समझेंगे? अब कई लोग कहते हैं कि मुझे वचन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम किया ही नहीं है, तो वचन कहां से समझ में आएगा? हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनकी बातों को समझते हैं, उनकी अच्छी अच्छी भली बातों को समझते हैं, हम परखते हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं जब वो दुखी होता है तो हम उनकी बातों से, उनके चेहरों से परख लेते हैं कि ये दुखी है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके चेहरे को देखकर जान जाते हैं कि ये संकट में है या फिर आनंदित है या फिर खुश है या फिर उदास है। ये सब प्रेम सिखाता है हमें। परमेश्वर का प्रेम हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें प्रार्थना करना भी आएगा। हम जब महान परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें गीत गाना आएगा। हम जब महान परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें वचन पढ़ना आएगा, वचन को समझना आएगा। हम जब महान परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के लिए काम कैसे करना है ये परमेश्वर हमें सिखा देगा, परमेश्वर का प्रेम हमें बता देगा। इसलिए बाइबिल कहती है और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ऐसे वस्त्र जो व्यभिचार के द्वारा कलंकित हो गया है, हमें ऐसे वस्त्र से भी घृणा करना है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय को देखते हुए हम अपना जो शब्द है यहीं पर विराम देते हैं। और महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, हम एक गीत गाएंगे। हम प्रभु भोज में जाएंगे उससे पहले गीत गाएंगे। क्या तुम गए यीशु पास कि दिल हुए पाक, क्या तुम उस सोते में साफ हुए हो। गीत नंबर 133। क्या तुम गए यीशु पास के दिल होए पाक, तुम सोते में साफ हुए हो। जो सलीब से है बहताती होए नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या तुम सोते में साफ हुए हो। क्या तुम यीशु के साथ चलते रोज बार, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते जरूर, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो।
क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या तुम सोते में साफ हुए हो। तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गरुड़ सोते में साफ हुए हो। और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या तुम सोते में साफ हुए।